बिना तेल वाला का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिना तेल वाला चिकन हमने पहले ही खा के खत्म कर दिया, बहुत मस्त लग रहा था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे घर में बनेगा जो कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पतपुड़ा चिकन बनाते हैं, जिसमें तेल का दरकार नहीं होता है। मसाला वगैरह डाल करके अच्छी तरह से सान करके पत्ते में लपेट करके आग में जला करके हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाई में, ये चिकन काट के तैयार कर दिए हैं, अभी हम लोग मसाला भून लेते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये गर्म हो चुका है कढ़ाई, पहले हम लोग धनिया को डाल देते हैं। ये धनिया डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा भूंज लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, धनिया को हम लोग भूंज रहे हैं, इसका स्मेल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये धनिया भूंजा चुका है, इसको उतार देते हैं। ये सरसों डाल दिए हैं, पीला सरसों, इसको भी भूंज लेते हैं। ये भी भुना चुका है, इसको भी उतार देते हैं। ये जीरा है, इसे भी भूंज लेते हैं। ये भी तैयार हो चुका है, इसे भी उतार देते हैं। दोबारा से अभी हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिए, मिर्चा भी भूंज लेते हैं। ये मिर्चा भी भुना चुका है, इसे भी उतार देते हैं। इसे सिलबट्टा में पीस लेते हैं, सबको हम लोग भूंज लिए हैं। ये मसाला पीस लिए हैं, इसको सूखा ही पीसे हम लोग। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, क्योंकि हम लोग भूंज दिए थे ना। और ये मिर्चा है, इसे भी पीस लेते हैं। ये मिर्चा भी पीस दिए हैं। ये प्याज और लहसुन है, इसको भी पीस लेते हैं। इसको पूरा महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा छेंच देते हैं बस। और ये चिकन को दो हिस्सा में कर दिए हैं, ये वाला हम लोग बिना तेल का बनाएंगे और इसे तेल में बनाएंगे। ये थोड़ा सा हम लोग ले लिए हैं बिना तेल का बनाने के लिए। ये चिकन है, इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। और ये प्याज और धनिया, जीरा और पीला सरसों और मिर्चा सबको डाल देते हैं। थोड़ा सा प्याज घटा देते हैं, थोड़ा चिकन के लिए थोड़ा, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा कम ही डालेंगे। ये डाल दिए पूरा इसको। और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। और ये टमाटर को भी डाल देते हैं इसमें, ये टमाटर भी थोड़ा ज़्यादा ही है, इसको भी आधा ही डाल देते हैं। बस इतना डाल देते हैं, और बाकी टमाटर जो तेल से बना रहा है वो लोग को दे देते हैं। ये कूटा हुआ मसाला और टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह सब डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हम लोग सूखा वाला मसाला डाले हैं, क्योंकि हम लोग मसाला को भूंज लिए थे ना, इसीलिए हम लोग सूखा ही इसको पीसे, पानी डाल करके पीसे नहीं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें थोड़ा भी तेल नहीं डाले हैं, केवल पानी और मसाला, प्याज लहसुन मिर्चा ये सारा चीज़ डाल दिए हैं, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं। ये अभी हम लोग मिक्स करके तैयार कर लिए हैं, अभी चूल्हा में आग लगा लेते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट इसको चढ़ा देंगे। ये चूल्हा में आग लगा लिए दोस्तों, अभी हम लोग चढ़ा देते हैं। ये चढ़ा दिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, चढ़ा दिए हैं, और हल्का आँच में हम लोग इसको पकाएंगे। अभी हम लोग ढक्कन लगा देते हैं, ये डबकने लगा है क्योंकि इसमें थोड़ा ही से हम लोग पानी डाले हैं। ये ढक्कन लगा दिए हैं, कम से कम 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं। ये चढ़ा दिए हैं दोस्तों और ढक्कन भी लगा दिए हैं, कम से कम 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं हल्का आंच में। अगर ज़्यादा आंच में हम लोग पकाएंगे तो ये लटक सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक भी तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा हम लोग पानी डाले हैं और नमक वगैरह स्वाद अनुसार डाल दिए हैं। तो हल्का आँच में ही इसको पकाया जाता है, और ज़्यादा आँच में अगर पकाते हैं तो लटकने का चांस रहता है। तो देखते हैं, अभी 10 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त पक रहा है। थोड़ा सा अभी हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं, बस बस इतना काफ़ी है, और थोड़ा सा नमक कम हो गया है, थोड़ा सा और नमक भी डाल देते हैं। ये थोड़ा सा नमक भी डाल दिए, और दोबारा से हम लोग ढक्कन लगा देते हैं, दोबारा से ढक्कन उठाते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त बन गया है। अभी हम लोग इसमें धनिया का पत्ता डाल देते हैं, ये धनिया पत्ता डाल दिए हैं और उसे अच्छी तरह से मिला दिए हैं। ये लगभग अभी तैयार हो चुका है, अभी हम लोग इसको उतार देंगे। ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त बन गया है, पूरी तरह से पक चुका है। थोड़ा सा हम लोग पानी भी डाल दिए थे, और ठंडा होने देते हैं, उसके बाद खाते हैं। ये बिना तेल वाला चिकन है दोस्तों, और ये तेल वाला चिकन है। इसमें थोड़ा सा हम लोग करी बना दिए हैं, ये तेल वाला चिकन है, और ये बिना तेल वाला चिकन। इसमें हम लोग करी नहीं बनाए क्योंकि पानी से ही पकाए थे ना, बिना तेल से। इसमें थोड़ा सा हम लोग करी बना दिए हैं, अब निकाल लिए हैं, खा करके बताते हैं कौन सा अच्छा है। दोस्तों, हम लोग का चिकन रेसिपी तैयार हो गया। आज दो प्रकार से बनाए हैं, एक बिना तेल वाला और एक तेल वाला, तो दोनों को हम लोग अभी आप लोग को खा करके दिखाते हैं कौन सा अच्छा है, और बिना तेल वाला का टेस्ट कैसा है, और तेल वाला का टेस्ट कैसा है। ये है बिना तेल वाला दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त पक गया है। ये भी, ये इसमें हड्डी भी है, ये देखिए दोस्तों, हड्डी भी निकल गया। और ये है तेल वाला, और ये भी खूब मस्त पका हुआ है। इसमें हम लोग करी बनाए हैं, इसमें करी नहीं बनाए, इसको अभी हम खा करके दिखाते हैं। बिना तेल वाला का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बिना तेल वाला हमने खा रहे हैं, और ये तेल वाला में करी बनाया है, थोड़ा सा डाल देते हैं भात में। ये बिना तेल वाला तो दोस्तों बहुत मस्त लग रहा है, ऐसे खाने में बहुत मजा आ रहा है।
मसाला को हम लोग भून लिए थे इसलिए स्मेल नहीं आ रहा है, जैसे तेल से बनाया हुआ जैसे ही लग रहा है। बिना तेल वाला चिकन हमने पहले ही खा के खत्म कर दिया, बहुत मस्त लग रहा था दोस्तों। अगले बार मैं और एक नई रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाऊंगा। यदि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कभी भी हम नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।